वेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक। तो कैसे हो यार? मैं आखिर हमेशा क्यों बोलता हूँ कि आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ है ना काम करना चाहिए, अपने गोल पे, अपने जो आपका ड्रीम है उसके ऊपर फोकस होकर काम करना चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए बीच में। मैं आखिर ऐसा क्यों बोलता हूँ? आज मैं आपको इसको डीप में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल कुछ देता हूँ। क्योंकि देखो यार, कोई भी चीज़ समझना हो अगर अच्छे से, तो अगर आप एग्जाम्पल दें, है ना, किसी का उदाहरण दें, किसी इंसान का, किसी का जो बुक्स में लिखा हुआ है, या किसी भी तरीके का, जब आप किसी को उदाहरण देते हो तो बड़ा जल्दी समझ में आता है। इसलिए मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। देखो यार, मुझे स्पीकिंग यानी कि बोलना, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ मुझे आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही अच्छा लगता है। और जो स्पीकिंग स्किल है, लोग आज बहुत बोलते हैं कि आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, या फिर आज हम लोगों को एडवाइस देते हैं रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, या फिर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है उस पर हम बात करते हैं, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार, सेटिस्फाइंग आंसर है, बहुत अच्छा बात बोला, वो सेटिस्फाइड भी होते हैं। तो ये देखो, ये चीज़ एक दिन में नहीं आई है, है ना। मैं ये सब चीज़ जब पहले सोचा इस काम को करने के लिए, लोगों को रिलेशनशिप से रिगार्डिंग एडवाइस देने के लिए और उनके लाइफ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम पे बात करने के लिए, वो जो लाइफ में फेस करते हैं प्रॉब्लम को उस पर बात करने के लिए, उसका सॉल्यूशन देने के लिए, उनकी कुछ हेल्प करने के लिए जब मैंने सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि यार ये कौन सा काम है, है ना। मैं जब खुद स्टार्टिंग में कर रहा था, जब कुछ वीडियो बनाया, इस टॉपिक पे बात करने लगा, तो मुझे स्टार्टिंग में खुद लगने लगा कि यार ये कौन सा काम है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें, ऐसी काम या ऐसा वर्क जो लोग कर रहे हैं या जो मैं कर रहा हूँ, उसको कभी अपने लाइफ में नहीं देखा था। मैंने अपने लाइफ में क्या देखा भाई, टीचिंग काम है भाई, एंड लोगों को पढ़ाना, सरकारी टीचर बन जाओ अच्छा पैसा मिलेगा, दूसरा डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, यही सब चीज़ मैंने अपने लाइफ में देखा। और जो हमारा सोसाइटी है, जो आसपास के लोग हैं, वो यही कर रहे हैं। मैंने किसी को ये नहीं देखा कि रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कोई एडवाइस दे रहा है, कोई बात बोल रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई लोगों को मोटिवेट कर रहा है, है ना। ये भी कोई काम होता है, बट एक्चुअल देखा जाए, आज मैं इसको फील करता हूँ, ये मुझे मतलब अब समझ में आता है कि अगर आप किसी इंसान की हेल्प करते हो, उससे बेहतरीन बात कुछ और नहीं हो सकती है। किसी इंसान को रिलेशनशिप से रिगार्डिंग आप उसको एडवाइस देते हो, क्योंकि देखो यार, रिलेशनशिप में जब लोग होते हैं, कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कोई लड़का है, कोई लड़की है, उसका ब्रेकअप हो गया, या वो बहुत गलत इंसान के साथ है रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है उस इंसान को पल पल मारती है। वो इतना इस चीज़ में फंस जाता है कि वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं करता, अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर फ्रेंड के साथ शेयर करता भी है, तो उसको प्रॉपर आंसर, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में इतना फंसते जाता है कि लास्ट में बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, उसका लाइफ जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और देख भी रहे हैं। आज तो मैं बहुत सारे यूथ से बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो भी मुझे अजीब अजीब तरीके के लोग मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मतलब इतने बुरे तरीके से रिलेशनशिप में फंस चुके हैं कि जिसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। फिर हम उनको गाइड करते हैं, उनको कुछ सॉल्यूशन देते हैं, उस पर बात करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, तब उनके लाइफ में कुछ चेंजिंग आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम किसी एक ऐसे इंसान को जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, किसी भी एंगल से, है ना, जब आप रिलेशनशिप में या फिर लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपका दिमाग, आप बहुत समझदार हो, बहुत तेज़ आपका दिमाग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हो, फिर भी जो आपका ब्रेन है वो काम नहीं करता है। तो वैसे में अगर कोई इंसान अगर आपको सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे, आपको गाइड कर दे, वही काफ़ी है आपके लिए, तो हम वही करते हैं। तो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा है, आप बात करते हो तो बहुत अच्छा लगता है ना, और आप मोटिवेट करते हो, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये सब चीज़ कहाँ से लाते हो, ये सब चीज़ कहाँ से आप सोचते हो, कहीं पढ़ते हो, कोई बुक में पढ़ते हो, या फिर कहीं और से। देखो यार, मैंने इस टॉपिक पे कभी कोई स्टडी नहीं किया है रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ये, और ना ही इस चीज़ पे मेरी कोई मतलब कहीं पे कोई स्टडी किया, बुक पढ़ा, कुछ नहीं। बस एक चीज़ है कि मैं लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ, लोगों की लाइफ में जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी घटना होता है, या खुद मेरी लाइफ में जो इंसिडेंट होता है, जो मैं अपने आसपास में, अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं उसको देखता हूँ कि अच्छा, किसी इंसान के साथ ये चीज़ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, कोई इंसान ये प्रॉब्लम में फंस गया तो क्यों फंसा, कोई रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर कोई इंसान के साथ ऐसा रिलेशनशिप से रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो क्यों चल रहा है भाई, क्या रीज़न हो सकता है, कोई इंसान का ब्रेकअप हो गया, उससे वो कैसे मूव ऑन करेगा, क्या मूव ऑन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। किसी पर्सन को आप बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो, क्या उसको आप भूल सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को ज़िंदगी भर या उसी के बारे में बार बार सोचते रहोगे, उसी को याद करते रहोगे, तो जो आपका एम है ज़िंदगी में कुछ बनना है, आपका भी कुछ लाइफ का जो गोल है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ और फिर उसी पे बात करता हूँ, उसी से रिगार्डिंग लोगों को एडवाइस देता हूँ। मतलब कि लोगों को इस टॉपिक से रिगार्डिंग सजेशंस, एडवाइस, है ना, या हेल्प समझो, यही मैं करता हूँ। तो देखो यार, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि ये एक दिन में नहीं होता है,
कि मेरा ये चीज़ इंटरेस्ट था, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है आज करने में, मुझे अगर कोई इंसान पैसा भी ना दे या मुझे कोई फ्री में ये चीज़ बोले करने के लिए, तो भी मैं कर सकता हूँ। और आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं ये सारी चीज़ें घंटों बात कर सकता हूँ आपके प्रॉब्लम पे, आपके प्रॉब्लम को सुन सकता हूँ और उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ। कितना भी मैं बोर नहीं होता, है ना, मुझे इस चीज़ से इरिटेशन नहीं होता, मैं कभी थकता नहीं हूँ कि हाँ मैं किसी भले मैं कोई दूसरा काम में थक जाऊँ, कोई दूसरे कोई वर्क मुझसे ना हो, लेकिन ये चीज़ है आपके प्रॉब्लम को सुनना, उस पर बात करना, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग किसी को एडवाइस देना, किसी को मोटिवेट करना, इंस्पायर्ड करना, ये सब चीज़ मेरे से हो जाता है और इसी चीज़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का जो मेरा ये सब चीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग है, आज का रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, लाइफ से रिगार्डिंग, है ना, आप किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में फंस गए हो, उस पर मेरी अच्छी पकड़ है, उस पर मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एक दिन में नहीं आई है, ये बहुत दिन का प्रैक्टिस है, बहुत दिन से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ अपने दोस्त के लाइफ में, खुद के लाइफ में, सोसाइटी में जो लोग हैं उनके लाइफ में जो जो चीज़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, किसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूँ, उसको देखता हूँ चुपचाप, उससे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग आई है। तो देखो दोस्त, अगर आप भी कोई चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, कोई काम में इंटरेस्ट रखते हो, आपको कुछ करने में मज़ा आता है कोई काम, तो उसको छोड़ो मत, उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहो। अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे, आप वो काम वो चीज़ बड़ी आसानी से कर दोगे, दूसरे को देखने में आश्चर्य लगेगा। जैसे आज लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप ये सब चीज़ कहाँ सोचते हो, आपकी कैसे अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है ना, इतने डीप में आप कैसे समझ लेते हो, सोच लेते हो, तो उसके पीछे बहुत दिनों का, मतलब कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बहुत लंबे समय का बात है, उसके बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग आया है, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका भी कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट हो कोई काम में, तो आप उसको छोड़ो मत, उसको आप लगातार करते जाओ, जब आप करते जाओगे उसको कभी छोड़ोगे नहीं, तो आप देखोगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ पर बहुत ज़बरदस्त हो गया, आपको उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो गया, आप उस फील्ड के बहुत माहिर हो गए, लोग आपको कांटेक्ट करने लगेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उस फील्ड के बहुत एक्सपर्ट हो, आपको उस फील्ड के बारे में, उस काम के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बात समझ में आया? तो इसलिए दोस्त, कभी भी कोई भी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसको छोड़ो मत, उसको लगातार करते जाओ, थोड़ा थोड़ा ही करो बट कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहोगे तो एक दिन आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, और वही एक्सपर्टीज़ आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में पैसा कमाने में, नेम फेम, हर तरीके से वो चीज़ आपको मदद करेगी। ठीक है दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को आप देखते हो उसको शेयर ज़रूर किया करो अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्त के पास, फैमिली, अपने रिलेटिव्स के पास, और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक करो।